हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक में आई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और सैलरी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसी वीडियोज लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक में आई वैकेंसीज की। इस बैंक में एक रेगुलर पोस्ट आया हुआ है और इस पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी गार्ड। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है 10th, और 10th के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इट मीन्स बहुत ही सिंपल कंप्यूटर आना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बहुत सिंपल, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट है तो आपको सीसीटीवी कैमरा को बस इंस्पेक्शन करने आना चाहिए कि वो सीसीटीवी कैमरा में आपको बस देखना है। सो इसलिए इसमें 10th एक क्वालिफिकेशन रखा गया है और एक सिंपल सा कंप्यूटर का नॉलेज, ताकि आप सीसीटीवी कैमरा से आप उसके जो पिक्चर है उसको बस देख सके और समझ सके। इसके साथ साथ इसमें एज लिमिट जो रखा गया है वो है मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 26 इयर्स। साथ ही साथ जो कैटेगरीज हैं, इट मीन्स जो अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उन्हें एज रिलैक्सेशन भी इसमें दिया गया है। और साथ ही साथ जो एक्स सर्विसमैन है, इट मीन्स जिन्होंने किसी न किसी सैन्य प्रशासन में अगर वर्क किया हुआ है, यानी सेना में वर्क किया हुआ है, और अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन और क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें जो अप्लाई करने का तरीका है वो है ऑनलाइन मोड, जिसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह है कि जैसे ही आप इसमें अप्लाई करेंगे वैसे ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें दो राउंड होंगे, पहला राउंड होगा एग्ज़ाम और दूसरा राउंड होगा फिटनेस टेस्ट। एग्ज़ाम में क्या होगा, सो एग्ज़ाम में आपको एक लोकल लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए, साथ ही साथ आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, थोड़ा बहुत इंग्लिश का जानकारी, जो कॉम्पिटिटिव के जो कोर्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो सिलेबस होता है उसी से मिलता जुलता इसका सिलेबस होगा। जैसा कि मैंने बात कहा कि आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, इसका मतलब ये है ये वैकेंसीज जो है पूरे तरीके से चेन्नई रीजन के लिए आया हुआ है। इट मीन्स आपको तमिल लैंग्वेज का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, इट मीन्स आपको बोलने भी आना चाहिए और साथ ही साथ आपको समझ में भी आना चाहिए रिटन में। सो इसलिए इसके सिलेबस में ये रखा गया है। इसके बाद जब आप इसे क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिटनेस राउंड होगा, और फिटनेस राउंड में भी अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे कि पुशअप्स, रनिंग, सो ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। और भी इसको डिटेल समझने के लिए कि फिटनेस में क्या क्या चीज़ है तो आप बिल्कुल इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखिएगा, इसका लिंक हम आपके हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और कमेंट एरिया में आपको जरूर मिल जाएगा। इसमें जो अप्लाई करने का जो तरीका है, यानी इट मीन्स इसका जो लास्ट डेट है वो है 15 जून 2022। तो देखिए इसे, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई कीजिए और अपना एक शानदार कैरियर इस बैंक में बनाइए। एक सवाल सबके मन में रहता है कि अगर हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें हमारी सैलरी क्या होगी। सो इसमें जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 14,500 to 28,145 rupees per month। इसके साथ साथ जो आपको अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है वो सारे अलाउंस भी इसको में ऐड किया जाएगा। ये आपका बेसिक सैलरी रहेगा, उसके साथ साथ आपको अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा सारी चीज़ें। सो आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है, एक शानदार मौका है इस बैंक में अपना कैरियर बनाने का। तो बिल्कुल देखिए इसे, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो इसमें अप्लाई कीजिए, और साथ ही साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। थैंक यू।